औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल उम्मीद सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर ख़िदमत है। और आज होम्योपैथिक की दवा वेस्पा पर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। छोटी सी दवा है और इसका फंक्शन भी बड़ा मुख्तसर सा है, तो आपके साथ ये नॉलेज शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो दवा है, इस दवा का जो इंट्रोडक्शन है वो डॉक्टर हेरिंग ने करवाया था। डॉक्टर हेरिंग का एक बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथिक अद्वियात के प्रूविंग में। तो एक डॉक्टर बुर्ज गुजरे हैं। डॉक्टर बुर्ज अपनी एक तसनीफ में लिखते हैं कि वेस्पा बुनियादी तौर पर जर्द रंग की भीड़ से तैयार की जाने वाली दवा है। अब भीड़ के काटे के बाद क्या क्या इलामात नमूदार होती हैं, उनका आपको बेहतर तरीके से पता है कि भीड़ के डंग लगने के बाद जो इलामात आती हैं, अगर उन इलामात के तहत इस दवा को बड़ी ताकत में अगर इस्तेमाल करवा दिया जाए तो फौरन ही मरीज़ को अफाका हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जिल्द के अमराज में अगर फैलावट है, सोजिश है, शदीद ख़ारिश है, जलनदार फोड़े हैं, और जिन में खसूसन बिलखसूस डंग लगने का एहसास है, क्योंकि भीड़ का काटा डंग से होता है, तो जिन जिल्दी अमराज में, जिन जिल्दी फोड़ों में डंग लगने का एहसास हो और दर्द हो, और दर्द की नौयत वैसी ही हो जैसे भीड़ के काटे के बाद दर्द होता है, तो ऐसी तमाम इलामात में वेस्पा बहुत अच्छी दवा है। और इसके साथ साथ अगर पेशाब में जलन और ख़ारिश, सुन हो जाना, गशी और बाज़ुओं में ख़ारिश हो तो भी वेस्पा को कतन नहीं भुलाना चाहिए। ये उन कामयाब अद्वियात में से एक दवा है जो इस किस्म की इलामात के लिए बड़ी कारगर समझी जाती हैं। विद्यावासिक है, आज का हमारा ये वेस्पा के हवाले से जो कंटेंट है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतन ना भूलिए, और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी किस्म की मालूमात पर आने वाले हमारे जो फर्दर कंटेंट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मुस्तफीद हो सकें। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।